चलिए ठीक है, बेहतरीन। ओके ओके ओके। अच्छा, सर। इसमें देखें जो हमने डेफिनेशन कही थी ना, वो सिंपल सी डेफिनेशन ये है, यहाँ आप देखिएगा, जस्ट दिस वन, इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू कंपनसेट मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ बॉडी, बस इतनी आप याद कर लें, दिस इज जनरल डेफिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर। अगर हम इसको वैसे जाके और लेंगे तो हार्ट फेलियर कैन बी डिफाइंड एज एन एबनॉर्मलिटी ऑफ कार्डियक स्ट्रक्चर आर फंक्शन लीडिंग टू फेलियर ऑफ द हार्ट टू डिलीवर ऑक्सीजन एट अ रेट ऑफ कमेंसुरेट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेटाबोलाइजिंग टिश्यू। ये उसकी डिटेल है, समझ लें सही। वैसे अगर डिटेल डेफिनेशन आप याद करना चाहें तो ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है हार्ट फेलियर की, जो यूज होती है। अगर आप सिंपल की याद करना चाहें बींग ए स्टूडेंट, तो बस इतनी काफ़ी है कि इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू कंपनसेट मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ बॉडी, सही। फिर उसमें आपका वही कि फेलियर हो गया, सिस्टोलिक हो गया, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, और आपका प्रेशर बढ़े हैं या कम हो रहे हैं, जो भी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, जब हम कॉमनली कॉमनली जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं ना पेशेंट्स की अपने वार्ड हॉस्पिटल में, तो हम लोग हार्ट फेलियर को एज ए हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस ईएफ और हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व ईएफ लेते हैं। दिस आर इज फॉर रिड्यूस ईएफ। रिड्यूस ईएफ का मतलब होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, के दिल कितना कमजोर है, जो कहते हैं ना 40% काम कर रहा है, 35% काम कर रहा है, 50% काम कर रहा है, तो वो इस तरह होता है, ठीक है। हेलो, जी सर, हाँ आवाज आ रही है। तो ये हमारा होता है कि हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस ईएफ है या हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व ईएफ, कॉमनली हम लोग इसके टर्मिनोलॉजी जी में सर, आपकी बात आवाज आ करते रही हैं। है क्लियर। हाँ, रिड्यूस ईएफ क्या होता है कि हार्ट फेलियर जो जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% हो। अच्छा, जो इसकी टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन अगर हम इसको बोलें तो वो होती है या तो सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, या तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, या राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर है, या बैकवर्ड हार्ट फेलियर है, लो कार्डियक आउटपुट या हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर है। तो बहुत सारी इसकी कॉमनली टाइप्स यूज होती हैं, तो हम इसमें से ये भी कर सकते हैं कि हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस ईएफ और हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व ईएफ ये कर लें, या हम कर लें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, ये इंपॉर्टेंट होता है, सही। बस लेफ्ट और राइट साइडेड हार्ट फेलियर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जब हम क्लिनिकल फीचर देखने जा रहे होते हैं मरीज के, कि उसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड हार्ट की फीचर है। अच्छा, दूसरा ये कि एक हमने चीज़ पढ़ी थी, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट हार्ट फेलियर इज, लेफ्ट हार्ट फेलियर। वेरी गुड, कौन आ गया, मरियम, सर हिबाब। हिबाब। अच्छा ठीक है बेटा, आप भी सुन रहे हैं, हमें पता लगा, जो भी सुन रहा हो तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, दिस इज जस्ट फॉर क्लिनिकल डिस्कशन, क्योंकि हमने ये क्लास कर ली है और हमें बस जस्ट आप लोगों का थोड़ा सा फीडबैक चाहिए कि आपको जो चीज़ समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, तो आपके पास अच्छा मौका है ना, कोई आप सामने भी नहीं है कोई भी स्टूडेंट, तो आप वैसे ही बोल के सवाल पूछ सकते हैं, वैसे अगर कोई डरता है सामने होता है सवाल नहीं पूछता ना, ये तो बहुत अच्छा मौका होता है इसमें, तो आप लोग डिस्कशन करें। यार ये क्या है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे स्टेजिंग, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई आपसे पूछ सकता है कि हार्ट फेलियर की जो स्टेजिंग क्या यूज होती है, भाई क्या चल रहा है। रोलोबर 90 प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हाँ रोलोबर 90 शायद, आई थिंक। हाँ अच्छा ठीक है, किसी का कोई साउंड का इशू है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर स्टेजिंग यूज होती है, स्टेजिंग आप लोग जस्ट कोई आपसे पूछ सकता है, आप उस पर देख लें कि स्टेज वन क्या है, टू थ्री फोर डी क्या है, ए बी सी डी होती है, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ना चाहें अपने पास पढ़ लें, जस्ट फॉर योर नॉलेज है। स्टेज ए क्या होती है, स्टेज ए होती है पेशेंट जो रिस्क पे हों, जिनको हाई रिस्क हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। स्टेज बी क्या होती है, वो वाले मरीज जो सिम्टम ना हो मगर दिल कमजोरी के साथ चल रहे हो, उनको खुद भी पता नहीं होता, जैसे बहुत सारे आते हैं और पहली मरतबा कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा 20% दिल काम कर रहा है,
तो वो बेचारे सरप्राइज होते हैं ना, तो वो एसिम्प्टोमेटिक चल रहे होते हैं, किसी ऑपरेशन के लिए दाखिल हुए, इको हुआ तो पता लगा ईएफ 20 फीसद। सी वाले वो होते हैं जिनको पता होता है कि ईएफ डाउन है, दवाइयां ले रहे होते हैं मगर स्टेबल होते हैं, सिम्टम होते हैं मगर वो डिकम्पनसेटेड नहीं होते, मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं। और डी वो होते हैं कि जो बेचारे डिकम्पनसेटेड हार्ट होता है, मेडिसिन के बावजूद भी सांस फूल रहा होता है और हार्ट ट्रांसप्लांट की जिनको जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, हमने कॉजेज लास्ट टाइम पढ़े थे, आप में से कोई बता देगा सबसे ज्यादा कॉमन कॉज कौन से हैं तीन हमारे पास? आपने वायरस को बताया था। वेरी गुड, वायरल इन्फेक्शन जिसमें हमने कहा था कि एग्जैक्टली वायरस है, वायरस कोक्सकी बी वायरस, इसको जो है आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है वायरस, इसको सिंपल जस्ट सिंपल कोक्सकी बी वायरस। अच्छा, कोक्सकी बी वायरस के बाद जो दूसरे नंबर पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक का होना, एमआई कहते हैं उसे, सही। उसके बाद वेल्वुलर डिजीज़ जैसे माइट्रल रिगर्जिटेशन है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, वो हैं। ड्रग्स हैं, ड्रग्स में कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो वाली एंथ्रासाइक्लिन ड्रग्स, सही, एंथ्रासाइक्लिन। अगर आपके पास आता है सवाल फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड ईयर में, तो उसमें ड्रग्स में हम एंथ्रासाइक्लिन जो है नाम आप जहन में रख लीजिएगा कि यूज़ होते हैं एंथ्रासाइक्लिन। कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं वो हार्ट फेलियर कराती हैं बहुत ज़्यादा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई भी हो सकते हैं, आपका आरए हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, पोलियोआर्थराइटिस नोड्यूजा हो, एसएलई हो, जो भी आप उसमें ले सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज और भी बहुत सारी हैं, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज जैसे हमने पढ़ी थी सार्कॉइडोसिस, अमाइलाइडोसिस, बहुत सारे हीमोक्रोमेटोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। एक चीज है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है। जब आप कार्डियोमायोपैथी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि 1 मंथ बिफोर डिलीवरी और 5 मंथ आफ्टर डिलीवरी तक हार्ट कमजोर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आर्थोपनिया, पीएनडी कॉफ, फटीग, पिडल एडिमा, बहुत सारे आप होंगे, मैंने इसमें सिर्फ 5-6 लिखे। अच्छा, एक चीज है एनवाईएचए बहुत अक्सर करके पूछा जाता है, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है ना मरीजों को जिनको, उसकी क्लासिफिकेशन है। और हार्ट फेलियर को इससे भी क्लासिफाई किया जा सकता है एनवाईएचए से। एनवाईएचए क्या है? एनवाईएचए लव्स की आप मीनिंग सिर्फ देख लें कि स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन, सही, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन एनवाईएचए, सही। एनवाईएचए यूज होता है फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मरीज को कितनी हो रही है हार्ट फेलियर के दौरान। जैसे अगर एनवाईएचए हम जब भी पेशेंट आते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, तो उसमें हम लेबल करते हैं कि एनवाईएचए 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अच्छा, 1 क्या होता है? नॉर्मल एक्टिविटी जो कर रहे होते हैं, जब ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी करें तो फिर इनको जाके कोई सांस फूलता है, अदरवाइज इनकी नॉर्मल एक्टिविटी में देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सांस नहीं फूलता। इसमें जो एनवाईएचए 2 होते हैं उसमें होता है स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रेस्ट पे या ऑर्डिनरी एक्टिविटी, इधर उधर टहलने में उनके सिम्टम नहीं होंगे। अगर वो साइकिलिंग करें, सीढ़ी चढ़ें, तो बहुत ज्यादा उनका फिर सांस फूल जाता है। अच्छा, मार्क्ड लिमिटेशन होती है 3 में, बिल्कुल ही थोड़ा सा भी काम किया तो उनका सांस फूलता है। अगर जरा सा भी कहीं गए, पैदल भी, मस्जिद भी गए, तो कहेंगे कि बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है। अच्छा, एनवाईएचए 4 क्या होते हैं? रेस्ट पे भी जिनका सांस फूल रहा हो, वो आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी करने जैसे ना हो, अगर कपड़े भी अपने चेंज करेंगे, बटन भी अपने लगाएंगे, तो उनका सांस फूलेगा, तो एनवाईएचए 4 होते हैं वो। अच्छा, एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलता है? टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिक होता है पेशेंट, गैलप रिदम जो हमने डिस्कस किया था, प्रेजेंस ऑफ S3 S4 आर बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेकिकार्डिया इज कॉल्ड एज अ गैलप। और फिर आपका रेस, JVP, पिडल एडिमा और चेस्ट में बायलेटरल क्रैप्स आपको मिलते हैं। डायग्नोसिस में ओनली डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हार्ट फेलियर इज ओनली टेस्ट फॉर क्या है? इकोकार्डियोग्राफी, इकोडायग्नोस्टिक, यस, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज इकोकार्डियोग्राम। तो इको आपने लिखना है, फिर आप लिखेंगे ECG, चेस्ट एक्सरे, बेसलाइन टेस्ट आप सब करा देंगे, CBC UC, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, SGPT आपने देखा, और फिर अंडरलाइंग डिजीज, आपको लगता है हार्ट अटैक है तो आप ट्रोपाई कराएंगे, आपको लगता है। अच्छा, एक इस पे यूज होता है BNP 1 इज BNP, सही, या हम इसको लेते हैं
प्रो बीएनपी जो आजकल हमारे पास यूज होता है, बीएनपी या प्रो बीएनपी। प्रो बीएनपी क्या होता है, नेट्रियूरेट पेप्टाइड होते हैं, एट्रिया से रिलीज होते हैं, एट्रिया हार्ट फेलियर में बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं, रेज बीएनपी और प्रो बीएनपी। ठीक है, तो हार्ट फेलियर के लिए ये इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो आपको बताता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इसमें हमने सिंपल ईसीजी, इको, एक्सरे, चेस्ट, प्रो बीएनपी और बेसलाइन ब्लड टेस्ट करा लेने हैं, और डायग्नोस्टिक टेस्ट इको। अच्छा, हमने लास्ट टाइम भी एक्सरे में डिस्कस किया, इको गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड इज इको, सही है, और फिर सेकंड नंबर पे बीएनपी। अच्छा, हमने एक्सरे किया था, अगर किसी को पल्मोनरी एडिमा है, पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है, तो उसका पल्मोनरी एडिमा का एक्सरे कैसा होगा? एक्सरे, चेस्ट, एयर ब्रोंकोग्राम होंगे, एयर ब्रोंकोग्राम, ओके, एंगल जो है वो हमें सही से, कार्डियक एंगल जो है वो सही से नजर नहीं आ रहे होंगे। वेरी गुड, कार्डियक एंगल्स तो होते हैं, मगर पल्मोनरी जो होती है ना, एग्जैक्टली बैटविंग अपीयरेंस, मगर जो ये कह रहे हैं ना, कार्डियक एंगल्स, एंगल्स होते हैं लंग्स के, लंग्स के एंगल्स जो होते हैं ना साइडों में, जैसे ये दिस इज एक्सरे चेस्ट, फॉर सपोज ये जो मेरी तस्वीर आपको आ रही है, इसमें जो इस जगह पे ये लास्ट में कोने में होती है ना, ये एंगल होती है, सही। अच्छा, अब मेरी, अब अगर आप एंगल देखें, जो कार्डियक एंगल है वो इस तरह से यहाँ पे बनती है, तो इसको कुछ नहीं होता, ये वाली ब्लंट हो जाती है इस जगह से, समझ आ रही है आपको? Okay. तो इसमें समझें कि अगर ये हमारा पूरा एक्सरे की फील्ड यहाँ से लेके ये वाली पूरी, तो इस जगह से यहाँ से ब्लंट हो जाए, जैसे ये है ना ब्लू ग्रीन, क्या कलर रही है, ब्लू है, हाँ, तो ये वाला ब्लू, जैसे ये कोना ब्लंट हुआ हुआ है ना, तो इफ यून इस तरह से होती है, तो दिस इज ब्लंटिंग ऑफ आपका कोस्टोफ्रेनिक एंगल, सही। कार्डियोफ्रेनिक तो कुछ नहीं होता, कोस्टोफ्रेनिक एंगल इसमें ब्लंट हो जाती है, ठीक है। तो सर, पल्मोनरी एडिमा, यस, पल्मोनरी एडिमा का एक्सरे ही है ना, ये एक्सरे हम पल्मोनरी एडिमा का ही कर रहे हैं, तो उसमें जो लाइंस हैं वो ब्लंट हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा, यस, ये पल्मोनरी एडिमा का ही एक्सरे है। तो इसमें एक तो कार्डियक शेडो हमें बड़ा मिलेगा, हार्ट, हार्ट बड़ा हो जाता है, जिसमें कहें कि आपका डायलेटेड हार्ट हो गया या कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो हार्ट का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, इंक्रीज कार्डियक शेडो। दूसरा बैट विंग अपीयरेंस, बैट की स्पेल इज ओके, यस सर, बैट विंग है, समझ गए ना, ये वही वाला बैट है जिस जगह से कोरोना आया है। आवाज आ रही है आपको? यस सर, ये वही वाला बैट है जिससे कोरोना आया है ना। अच्छा, तो बैटविंग अपीयरेंस है, अपाइकल डाइवर्जन होती है, अपाइकल डाइवर्जन क्या होती है, ऊपर लाइनें चेस्ट के एपेक्स तक जाती हैं, नजर आती हैं वो हमें, कर्ली बी लाइंस, प्लूरल इफियन और फिलोडियन फिशर होता है। अगर आप कहें तो हम उसको गूगल करके यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, करें या रहने दें सर? कर्ली बी लाइंस, कर्ली बी लाइंस क्या होती है कि जो एक्सरे है ना, एक्सरे, ये फॉर सपोज दिस इज एन एक्सरे, यहाँ पे यूं, सही, और उसमें जो है आपका साइड से हल्की सी यूं लाइंस होती हैं, हल्की सी लाइंस, किस तरह से आपको बताऊं, आप एक मिनट अगर वेट करें तो पेन पेपर लेके आपको बता देते हैं। हाँ, ये देखिएगा अभी,
यहाँ देखिए आपको समझ आ रहा है, ये बोथ लंग्स हैं, ठीक है? Yes. Yes, हाँ, ये दो लंग्स हैं, ठीक है? अच्छा, लंग्स में हम देखेंगे तो इसमें दिस वन इज कार्डियक शेडो, ये वाला जो है ये हार्ट का शेडो है, सही है? बीच में अब बन गया, समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, yes, इसमें क्या होगा आपका, यहाँ से लेके ये इसकी यूं आपको नजर आएगी, दिस इज बेटविंग अपियरेंस, यूं बन जाएगी, ठीक है? दिस इज बेटविंग अपियरेंस, ओके? अच्छा, फिर हम जाएंगे जो कर्ली बी लाइंस है ना, कर्ली बी लाइंस इस तरह से होती हैं, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ये सिर्फ लेटरल साइड्स पे ये हल्की सी यूं लाइंस देखिएगा, ये नजर आ रहे हैं लेटरल साइड्स पे? जी सर, ये चार पांच सीधी सीधी लाइनें जो हैं, जो ये वाली है, ये कर्ली बी लाइंस हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये, ठीक है? और ये आपका जो है ये बेटविंग अपीयरेंस है इसकी यूं, और जो अपाइकल डाइवर्जन होती है वो ये बिल्कुल ही यूं ऊपर तक आपको यहाँ पे वाइट से शेडो नजर आते हैं। अच्छा, जो ब्लंटिंग कह रहे थे ना आप, वो प्लूरल इफ्यून का इस जगह से ब्लंटिंग हो जाती है, यहाँ पे ये आपका वाइट सा हो जाता है, दिस इज प्लूरल इफ्यून, और दूसरा इस जगह से, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये एक्सरे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपसे, ऑस्पी या जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। अच्छा, फिर हम आते हैं ट्रीटमेंट की जानिब। ट्रीटमेंट में बड़ा सिंपल सा हमने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की पोजिशन जो है थोड़ी सी प्रोपअप होनी चाहिए, प्रॉपर पोजीशन हो, सीधा लेटने बहुत सांस फूलता है जिसको आर्थोपनिया कहा जाता है, अगर नींद से कोई सांस की वजह से उठ जाए तो पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया होता है। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर ऑक्सीजन लगानी है, आईवी डायूरेटिक देने हैं, फोर्स डायूरेसिस करानी है ताकि जिस्म से पानी निकले ताकि पेशेंट का सांस बेहतर हो, आईवी नाइट्रेट्स देने दे सकते हैं अगर उनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मॉर्फिन देंगे अगर पेशेंट काफ़ी एजिटेटेड हो रहा है और परेशान हो रहा है, मॉर्फिन देते हैं उससे और ज़्यादा फायदा होता है मरीज को, एंशियस एंजाइटी पेशेंट की ख़त्म होती है और प्लस में पल्मोनरी एडिमा रिलीव होता है। फिर उसके बाद बायपेप सीपेप सपोर्ट, वेंटिलेटरी सपोर्ट, सीसीयू में आईसीयू में एडमिट करेंगे, बीपी देखेंगे, फिर हम एसी इनहिबिटर दे सकते हैं मरीज को, स्पायरोनोलैक्टोन्स हैं, बीटा ब्लॉकर, वंस यू वॉल्यूम में डिजॉक्सन है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन है, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कोई सवाल?